जी आपका नाम? अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मसीहा है। हम तमाम गर्ल्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स हैं। गर्ल्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन पूरे कर्नाटका में काम करते हैं लड़कियों को दीन सिखाने के लिए और समझाने के लिए, ना ही मुस्लिम लड़कियों को बल्कि नॉन मुस्लिम लड़कियों को भी। गर्ल्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन एक मिल्लत में एक ऐसी अवेयरनेस फैलाना चाहती है जो अक्सर औरतों में नहीं फैलाई जाती, ना लड़कियों में फैलाई जाती है, बस सिर्फ मर्दों में फैलाई जाती है जमात के नाम पर, औरतों में नहीं फैलाई जाती। इसलिए गर्ल्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ने एक इनिशिएटिव लिया है इस अवेयरनेस को फैलाने के लिए। हर एक बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं, गलत फहमियाँ हैं इस्लाम के ताल्लुक से लड़कियों में भी, औरतों में भी, मुसलमानों में भी और गैर मुसलमानों में भी। इसलिए बस एक छोटी सी कोशिश है हिजाब के ताल्लुक से जो मिसकंसेप्शंस हैं, जो गलत फहमियाँ हैं, इसको दूर करने के लिए आज एक छोटी सी कोशिश हम लोगों ने की है। अगर आपको कोई सवाल हो तो आप कर सकते हैं। जी मैडम, ये मैसूर में पहला आपका ये प्रोजेक्ट है या पहले भी कुछ करते हैं? रहते हैं, हिजाब के ताल्लुक से पहला प्रोजेक्ट है। आप किस ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करते हैं? गर्ल्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन, जमात इस्लामी हिंद का एक लड़कियों का ब्रांच है। ब्रांच जी। कोई नॉन मुस्लिम आपकी ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मौजूद है? नहीं, एज ए मेंबर नहीं है। लिंक बहुत सारे नॉन मुस्लिम बहनों से हमारा है। इस प्रोजेक्ट में कोई आपके साथ जुड़े हुए हैं? जी हैं, रानी, इनका नाम रानी है। शी इज़ हेल्पिंग अस आउट, हमारी मदद कर रही हैं लड़कियों को जमाने में और उनको बताने में कि क्या है हिजाब। रानी, रानी अंत ये मरता है इधर आयुर्वेदिक मेडिकल होता है। हाँ, मैसूरल है ना? ಅವರ ಇಷ್ಟ ಬಂದಂತೆ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೂಡ, ಬಟ್ ಅವರ ರಕ್ಷಣೆಗೋಸ್ಕರ ಅವರು ಹೇಗೆ ನಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್. ಇದು ರಕ್ಷಣೆಗೋಸ್ಕರ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಅಂತ. ಅಫಿಫಾಯಂ ಹೇ, ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಜಿ ಐ ಒ, ಗರ್ಲ್ಸ್ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಈ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಲಡ್ಕಿಯೋ ಕೂ ಜಮಾ ಯಂಗ್ ಲಡ್ಕಿಯಾ ಹಿ ಉಂಕೆ ಅಂದರ್ ದೀನ್ ಕಾಮ ಕರಿ ಹೇ, ಉಂಕೆ ಅಂದರ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಲಾನೆ ಕೆ ಲಿಯೆ ಆಜ್ ಕಾ ದಿನ ಫೆಬ್ರವರಿ ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹಿಜಾಬ್ ಡೇ ಕರ್ಕೆ ಮನಾಯಾ ಜಾತಾ ಹೇ. ಹಮ್ ಜಿ ಐ ಒ ಮೈಸೂರು ವಾಲೇ ಪಹಲಿ ಬಾರ್ ಏಕ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಲೇಕೆ ಆಗೇ ಆಯೇ ಹೇ ಔರ್ ಯೇ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಯೇ ಏಕ ಇವೆಂಟ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ इसमें आज बहुत सारे हम नॉन मुस्लिम बहनों को, नॉन मुस्लिम बहनें नहीं बोलते, वतनी बहनें बोलते हैं, तो कंपैरेटिव सिस्टर्स, तो वो उनको हमें जो हमें जो उनके अंदर मिसकॉन्सेप्शन ही जो हिजाब के रहे हैं तो उसे हमें मिटाने की कोशिश कर रहे हैं. क्या आप देख सकते हैं कि बहुत सारे फीडबैक्स लिखे हैं, तो हमें उनको हिजाब पहना के उनको कैसा फील हुआ वो एक्सपीरियंस वो हमें शेयर करें और हमें एक दूसरों के सामने अवेयरनेस लाने में मदद करें. तो देखिए, जैसा आपने सवाल किया, मुसलमान और गैर मुसलमान दोनों हिजाब पहनते हैं और कुछ लोग इसका गलत इस्तेमाल करते हैं. देखिए, वर्ड जो है हिजाब, इसका मतलब कवर करना, हेड स्कार्फ पहनना या बुरखा पहनना नहीं है. हिजाब का एक्चुअल मतलब है छपाना, किसी चीज़ शर्म वाली चीज़ को छपाना. देखिए, औरतों का जो बॉडी है, इट्स अ वेरी रिस्पेक्टफुल थिंग, तो हिजाब रिस्पेक्ट्स अ वुमन, इट डज नॉट सप्रेस इट. तो जो गलत फ़ायदा उठा रहे हैं, इट्स ओनली द ड्रेसअप. आप देख सकते हैं जो लोग हिजाब करते हैं, उन लोगों वो लोग भी गलत गलत काम करते हैं, चाहे मुसलमान हो या गैर मुसलमान. तो हिजाब जो है वो सिर्फ कपड़ा नहीं है, इट्स द हार्ट, आपका सोल, आपका जो जो सोचते हैं, आप जो करते हैं, आप जो बोलते हैं, ये तमाम जो मॉरल्स हैं, ये तमाम हिजाब में आते हैं. हिजाब का मतलब है मॉडेस्टी, हया. हिजाब एक हया का सिंबल है. जैसे हया एक फीलिंग है, इस फीलिंग को जो फील करते हैं, दे रिप्रेजेंट हिजाब. जो नहीं करते हैं, अगर वो गलत इस्तेमाल कर रहे हैं हिजाब का या बुरखे का, ये उनकी मॉरल, ये उनका मॉरल वैल्यू लो होने की वजह से हो रहा है. तो उसकी वजह से नॉट ओनली हिजाब, बट वी हैव टू एलिवेट देयर मॉरल वैल्यूज. तो इंशाल्लाह इसका भी एक प्रोग्राम करेंगे नॉन मुस्लिम बहनों को, वतनी बहनों के लिए, कि कैसे वो अपना मॉरल वैल्यूज एवेल्यूएट कर सकते हैं.
हिजाब बहुत ज़रूरी है लड़कियों के लिए। हिजाब का मकसद इस्लाम में हिजाब का वाजिब होना फ़र्ज़ होने का एक मकसद है। ये किस लिए है हिजाब? हिजाब एक औरत को प्रोटेक्ट करता है, उसे महफूज रखता है हर चीज़ से। आज फैशन के लिए भी हिजाब पहन रहे हैं? फैशन के लिए पहन रहे हैं, मगर जो फैशन का हिजाब होता है वो थोड़ा अलहदा होता है, आप देख कर पता कर सकते हैं। अच्छी बात है अगर फैशन के लिए पहन रहे हैं, बट उसका पर्पस तो पूरा हो रहा है, दे आर बीइंग प्रोटेक्टेड, उनकी हिफाजत तो हो रही है, तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह। ये उनका अगर इंटेंशन उनका अलग गलत है या सही है, ये तो अल्लाह और उनके बीच का मामला है, उनका इंटेंशन जो भी है, नीयत जो भी है। मगर जो आने वाली जनरेशन है, जो छोटे बच्चे, आजकल लड़कियाँ खुद पहनना हिजाब नहीं पसंद करती मुसलमान होने के बावजूद, तो उनके लिए छोटा सा मैसेज ये देना चाहूँगी कि देखिए हिजाब आपके लिए बहुत ज़रूरी है। क्यों? ना सिर्फ ये आपको प्रोटेक्ट करता है बट आपको ये इज्जत भी देता है। अगर एक लड़की हिजाब में नकाब में कवर करके खुद को जा रही है सड़क पर, तो उसको लोग इज्जत की निगाह से देखते हैं। और अगर कोई लड़की छोटे कपड़े पहनकर वेस्टर्न, अगर सिविलाइजेशन की वजह से वेस्टर्न कपड़े पहनकर जाती है, तो उसको वो रिस्पेक्ट की निगाह से नहीं देखते हैं जो बुरखे वाली हिजाब वाली को देखते हैं। तो ये आपको इज्जत भी देती है और आपको प्रोटेक्शन भी देती है। कुरान मजीद में सूरह नूर आयत नंबर 31 में अल्लाह ताला मुसलमान औरतों को अल्लाह ताला हुक्म दे रहे हैं कि ऐ मुसलमान औरतें अपनी निगाहों को नीचे कर लो और अपने शर्मगाहों के ऊपर आंचल डाल लो और ऐसे अपने जीनत को ना मुहर्रम गैर मुहर्रम मर्द के सामने ना दिखाओ, सिर्फ अपने बाप भाई और अपने शौहर और शौहर के बाप। तो ऐसे अल्लाह ताला सूरह नूर में बता के हैं। तो कुरान मजीद का जो भी हुक्म आता है वो कंपलसरी है, हमें सबको करना है। तो एक मुसलमान को इसे फॉलो करना कंपलसरी है, ये ऐसा नहीं है कि चॉइस है, नहीं है। हर एक मुसलमान को हिजाब करना ज़रूरी है, हर एक इंसान का, हर एक औरत को अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करनी चाहिए। मैडम जी, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया है आज, आप फीडबैक भी मिलते हैं हमें। तो जब वो हिजाब डालें तो बहुत अलग ही फील करें, खुद को प्रोटेक्टेड फील करें और ये हमारे साथ शेयर करें, तो ये हमें बहुत नाक नाक ना।